नमस्कार साथियों, आपके अपने ऑनलाइन संस्थान फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप में मैं संदीप झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी मेंस 66 एग्जाम को लेकर जो ऑप्शनल विषय है एंथ्रोपोलॉजी, उसके गेस प्रश्नों पर बात करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों ने अपने इस ऑप्शनल विषय एंथ्रोपोलॉजी की अच्छी सी पढ़ाई की होगी, अच्छी तैयारी की होगी और कर रहे होंगे, क्योंकि अभी एग्जाम समय है। तो जो भी समय आपके पास बचे हैं उसका पूरा पूरा आप लाभ उठाएं। और मैं पिछले ही मेंस की भांति इस बार भी गेस प्रश्नों का बहुत ही कम संग्रह, प्रश्न ना कहें टॉपिक कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कम से कम टॉपिक आपको बताया जाता है। 65th में भी बताया गया था, इस बार भी यही आशा रहेगी कि इस बार भी अगर 6 में से 4 से 5 क्वेश्चंस सीधे सीधे मेरे गेस से आ जाए तो फिर इस बार भी मजा आ जाएगा, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साथियों सामाजिक मानव विज्ञान की, है ना। 3 सेक्शंस में आपको लिखने होंगे, तो सामाजिक है, फिर आपका शारीरिक है फिजिकल वाला, जिसमें 2 सेक्शन है, तो आपको पहले सेक्शन को पसंद करना है, यानी पहले सेक्शन को लिखना है शारीरिक में, और फिर हम लोग बात करेंगे इंडियन की। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका है और बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप देखें तो बीपीएससी के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ हो, हुआ है कि इस टॉपिक से प्रश्न ना पूछे गए हैं। तो सबसे पहला आसान सा है कि मान लिया जाए आपने यदि शुरुआत की तो मानव विज्ञान क्या है और इसकी क्या शाखाएं हैं, यहां से प्रत्येक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें कि मानव विज्ञान क्या है और इसकी जो भी शाखाएं हैं, है ना, 5 शाखाएं अब हो गई व्यवहारिक मानव विज्ञान को जोड़ने के बाद, तो 5ों शाखाओं पर आप काम कर ले। ये मान के चले कि यहां से आपका 50 नंबर फिक्स है, अगर आप नहीं करते हैं तो चूक जाएंगे। तो पहला काम ये कर लेना है और टॉपिक सभी लोग नोट करते जाइए। पहला टॉपिक क्या हो गया, तो मानव विज्ञान एवं इसकी शाखाएं। दूसरे टॉपिक पर अगर बात की जाए तो दूसरा टॉपिक है आपका परिवार। आप परिवार को कर लें, है ना, परिवार क्या है, परिवार के क्या स्वरूप होते हैं, परिवार के कितने प्रकार होते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे टॉपिक कह रहा हूँ, बाकी आपने पढ़ाई की है तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिवार में मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो तीसरा टॉपिक आप लोग लिख लें नातेदारी, है ना, तीसरा नातेदारी हो गया। चौथा जो टॉपिक है वो दो मिला है, जैसे टोटम और टैबू, है ना, तो आप टोटम और टैबू कर लें, टोटम टैबू करके जाए, टोटम एवं टैबू। उसके बाद एक है आपका विनिमय प्रणाली, है ना, तो विनिमय प्रणाली को भी कर लेना है। दूसरा सेक्शन जो है यह अति महत्वपूर्ण है शारीरिक वाला, और आप फिजिकल में बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, आप 100 में से 90+ मार्क्स भी ला सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप डायग्राम का प्रयोग करें, एकदम डायग्राम होनी चाहिए, है ना, आप सीख लेंगे थोड़ा सा। जैसे मान लिया जाए कि आपका जो प्रश्न है टॉपिक है आते हैं उसमें, पहले आप नोट डाउन कर लें पहला क्या है। तो पहला है लेमार्कवाद, आप लेमार्कवाद कर लें, और दूसरा कर ले नव डार्विनवाद, अर्थात संश्लेषणात्मक सिद्धांत, है ना, सिंथेटिक थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि किस प्रकार से डार्विन का जो सिद्धांत है आगे चल के पूरा गलत साबित होने लगता है। तो नव डार्विनवादियों ने, अर्थात वैज्ञानिक जो थे डार्विन को मानने वाले वैज्ञानिक ने क्या किया, नव डार्विनवाद की स्थापना की, संश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया, है ना, और डार्विन के जो विचार थे उन विचारों को थोड़ा सा परिष्कृत किया गया, जो कि वर्तमान समय तक भी क्या है बेहतर माना जाता है, आप इसको कर लें। उसके अलावे अगला जो टॉपिक है वह है आपका जंतु जगत में मानव का स्थान। तो जंतु जगत में मानव का क्या स्थान है, इसको जब आप लिखेंगे तो इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से करें, है ना, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आप दिखाएं किस प्रकार से जंतु जगत में मानव का स्थान धीरे धीरे बढ़ते चला गया और अंत में होमो सेपियंस पे आके रुकना है, ज्ञानी मानव पे, है ना, प्रोटोजोआ मेटाजोआ, इस तरह से करके डायग्राम पूरा बनाना है। डायग्राम बना के उसके बाद उसको डिस्कस करना है, है ना, उसके बाद उसको बताना है कि मानव को अगर रखा गया है प्राइमेट में तो क्यों रखा गया है, है ना, इस प्रकार से आप अच्छे से उसको कर लेंगे। जीवाश्म मानव में आप होमो इरेक्टस को बहुत बेहतर तरीके से कर लें, है ना, होमो इरेक्टस, क्योंकि देखिए यहीं से मानव नहीं कहा जा सकता, इनको मानव पूर्वज कहा जाए,
जो हम लोग के जो पूर्वज थे होमो इरेक्टस, यहाँ से खड़े होते हैं, और अभी जो हम लोग का है ना बाइपेडलिज्म, द्विपाद गमन, दो पैर से हम लोग चलते हैं, और हाथ का उपयोग आप किसी चीज को पकड़ने के लिए कर सकते हैं, लिखने के लिए कर सकते हैं, ये सब बातें जो है वहां से विकसित हुई थी, है ना। तो द्विपाद गमन की शुरुआत हुई होमो इरेक्टस से, इसलिए मानव की कड़ी में होमो इरेक्टस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप जीवाश्म भी ये कर लें, इसके साथ साथ आप प्रजाति वर्गीकरण कर लें, प्रजाति वाला जो टॉपिक है उसको देख लें, गुहा का क्या वर्गीकरण है, सरकार का क्या वर्गीकरण है, इस प्रकार से जो भी हैं जिनके द्वारा दी गई है आप इसको एक बार देख लेते। ये पांच टॉपिक आप शारीरिक में भी कर लें, पांच टॉपिक क्या कर लें तो आप सामाजिक में भी कर लें, 10 टॉपिक हो गए, और पांच टॉपिक ही आप क्या करें अच्छे तरीके से कर लें इंडियन में, भारतीय मानव विज्ञान में। तो उसमें क्या करना है, तो सबसे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, और वहां से आप देखेंगे तो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, अनुसूचित जाति जनजाति की क्या समस्याएं थी और उसका क्या समाधान हो सकता है। तो इस प्रकार से भी पूछ दिया जाता है कि अनुसूचित जाति जनजाति की क्या समस्याएं थी, सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए गए उसे सुधार के लिए, या वर्तमान सरकार भी क्या कर रही है, और संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो यहाँ पे आप अनुच्छेदों को भी एक अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, कि अनुच्छेद में जब संवैधानिक बात की जाएगी तो आप वहां पर अनुच्छेद दिखाएंगे, है कि नहीं, और जब सरकार की बात की जाएगी तो जो कुछ सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को आपको दिखाना है, ठीक है। तो पहला ये काम कर लें। दूसरा क्या करना है कि नवपाषाण काल, आप नवपाषाण काल को बेहतर तरीके से कर लें, क्योंकि नवपाषाण काल क्या है, तो एक क्रांतिकारी युग है। किसने कहा था आप लोग कमेंट में बताइए, वैसे मैं लास्ट में बता दूंगा कि क्रांतिकारी युग की संज्ञा नवपाषाण काल को किसने प्रदान किया था। चलिए ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, गार्डन चाइल्ड है ना, उन्होंने कहा था यह जो था एक क्रांतिकारी युग था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मानव में जो विकास हुआ वह एक क्रांतिकारी युग जैसा था, जैसा कि अस्थाई बसना शुरू कर दिया, उसके बाद जो है कपड़े बुनने की कला विकसित कर ली गई, बर्तन बनाने लगे, कलाकृतियां बनाने लगे। तो यहाँ आके मानव क्या होता है ना, पूरा का पूरा बदल जाता है, उसके सारे स्वरूप जो थे वो बदल जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसको आप कर लें। उसके बाद जो कुछ अवधारणाएं हैं है ना, जैसे LP विद्यार्थी के द्वारा अवधारणाएं दी गई है, MN श्रीनिवास के द्वारा दी गई, तो उसमें आप देख लें महान परंपरा लघु परंपरा को कर लें, प्रकृति मानव आत्मा सम्मिश्रण को कर लें, जनजाति जाति निरंतरता को कर लें, है ना, अवधारणाएं में ये दो दो, दो तीन अवधारणाएं हैं, इसको कर लें। उसके बाद भारतीय जनसंख्या में जो भाषाई तत्व हैं इसको आप कर लें, क्योंकि यहाँ से भी देख रहा हूँ कि 64th में भी पूछे गए थे, 65th में भी है, तो 66th में भी हो सकता है, क्योंकि ये रिपीटेशन हो रहा है, हालांकि स्वरूप अलग हो जाता है, कभी ये लोग क्वेश्चन में पूछ देते हैं, कभी शॉर्ट में पूछ देते हैं, जिसे कि बेहतर तरीके से आप तैयार कर लें। हाँ एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि सभी टॉपिक्स जो आपके पास हैं, जो भी आपके सिलेबस में है, उस पर भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रश्न में 4 से 5 तो जैसे कि ट्रेंडिंग चल रहा है पिछले कई बार से, है कि 4 से 5 प्रश्न सीधे सीधे आ जाते हैं, लेकिन आपको पास नहीं करना है, आपको एक पद चाहिए, और उस पद के लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप को बेहतर से बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट करनी होगी। तो आप अपने जो भी नोट्स आपने बनाया है एंथ्रोपोलॉजी के लिए, उस नोट्स को पूरा का पूरा अच्छे तरीके से पढ़ें, साथ ही साथ आप गूगल पे जाके संदीप सर एंथ्रोपोलॉजी लिख के भी, जो मेरी जो लेक्चर्स हैं फ्री में अवेलेबल है जो एंथ्रोपोलॉजी की, आप उसे देख सकते हैं, या आप इस और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है प्लेलिस्ट का, है ना, फ्री वाला प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारा लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, तो आप जाएँ और ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।